हाय, दिस इज अभिषेक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स का मेजर इशू के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए इन्फिनिक्स स्मार्टफोन की, तो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन हो चुका है मार्केट में और एक अच्छा खासा ऑडियंस भी उन्होंने गेन कर लिया है। जब आया था मार्केट में तो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत सपोर्ट किया था उनको, और यहाँ पे मतलब उनके रिव्यूज़ से लेके सारे की सारे चीज़ों को एंड टू एंड देखते थे। बट यहाँ पे ठीक है, मार्केट में सस्टेन कर चुका है, बट यहाँ पे अभी भी कुछ मेजर इशू है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स को लेके। जैसे कि तीन मेजर इशू है, सबसे पहले एड्स का, फिर ब्लोटवेयर्स का, उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं हीटिंग इशू यहाँ पे, क्योंकि जो उनका XOS है UI है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जो कि परफॉर्मेंस या फिर प्रोसेसर पे काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसर है वो थ्रॉटल करता है और ऑप्टिमम या फिर कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है यहाँ पे। तो आज की सुन यही मेजर इशू इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स को लेके हम बात करेंगे। तो वीडियो करने वीडियो को लाइक जरूर शुरू कर देना। इस वीडियो में यही बात करेंगे मेजरली इन्फिनिक्स के मेजर प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज को लेके यहाँ पे। तो वो सबसे पहले बात की जाए ना इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की, तो डिज़ाइन वाइज बात की जाए ना, तो वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस कह सकते हैं बजट प्राइसिंग में यहाँ पे, बिकॉज जिस प्राइसिंग में इन्फिनिक्स जो ऑफर करता है ना, उस प्राइसिंग में कोई और स्मार्टफोन ऑफर नहीं कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज कह सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ही कम प्राइस में इन्फिनिक्स कोशिश करता है कि लगभग सारे के सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स तो है जिसके के बारे में बात करना है। और सबसे पहले इशू की बात करें, मेजर इशू है वो है एड्स का। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि एड्स को कैसे डिसेबल करें, यहाँ पे जो पॉपअप एड्स हैं, यहाँ पे कह सकते हैं जो ऐप ड्रॉवर, जिस तरीके से अगर आप ऐप कोई भी खोलते हैं ऐप ड्रॉवर इस तरीके से, वहाँ पे भी पॉपअप होता है यहाँ पे ऐप एड्स, यहाँ पे मल्टीपल विंडोज़ एड्स हो गए, मतलब बहुत सारे एड्स उसमें भरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हेस्टी हो जाता है, और वो कभी कभी सर पे चढ़ जाता है, मतलब इतना मतलब इशू मतलब हेडेक हो जाता है। बिकॉज कुछ भी आप ओपन करें, गैलरी तक आप ओपन करेंगे तो उसमें ऐड आ रहा है, कोई भी एप्लीकेशन नॉर्मल के लिए, अब अर्जेंट में आपको कॉन्टैक्ट ही ओपन करना है, उसमें भी पहले ऐड देखिए 15-20 सेकंड का, फिर उसके बाद खुलता है। तो ये कभी कभी ना चीज़ें क्रिप्टेड कर देता है और क्रिप्टिक कर देता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स मतलब एक टॉलरेंस लेवल होता है वहाँ पे, उसके हद तक पार हो जाता है और इरिटेट हो जाता है आदमी, यहाँ पे एजिटेट हो जाता है इस सारी चीज़ों से यहाँ पे। तो एड्स का बहुत ही ज़्यादा इशू है, और एड्स इन्फिनिक्स हटाता भी नहीं, बिकॉज मेजर उनका रेवेन्यू उस सोर्स से आता है, बिकॉज फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा सस्ते रहते हैं। मेजर सेकेंड प्रॉब्लम है वो है ब्लोटवेयर का, यहाँ पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन इसके साथ फ़ोन के साथ ही आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कम प्राइसिंग है, इसके लिए मल्टीपल एप्लीकेशन डाल के रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू मिल जाए यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ कुछ ब्लोटवेयर्स को तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो कुछ कुछ ब्लोटवेयर्स वो मतलब डिसेबल भी नहीं होते हैं, तो ये एक मतलब इशू है मेजर यहाँ पे कि एटलीस्ट अनइंस्टॉल नहीं तो कम से कम डिसेबल का ही ऑप्शन दे दो, ताकि हम उस एप्लीकेशन को डिसेबल कर दें हमारे ऐप ड्रॉअर से और वो खुले ना, बिकॉज जब वो सब जो एप्लीकेशन रहते हैं ना फ्रेंड्स ब्लोटवेयर, उसमें बहुत सारे एड्स रहते हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली इंटरलिंक है एक दूसरे से यहाँ पे, तो ये एक चीज़ें को कंसर्न है। तो उसके बाद बात आती है तीसरी चीज़ की, मेन वो है हीटिंग इशू। अब यहाँ पे इन्फिनिक्स का जो खुद का UI है XOS वाला, वो इतना ज़्यादा हैवी UI है यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा कंजम, ऑब्वियसली नो डाउट कस्टमाइजेशन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब एक से एक उसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स उस XOS में, यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को आप लोग यहाँ पे। बट उसके साथ मेजर इशू भी तो आता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो XOS है फ्रेंड्स वो UI वो इतना ज़्यादा हैवी है कि जो प्रोसेसर है उसके साथ कंबाइन करेंगे ना, तो जो ऑप्टिमम लेवल का परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो नहीं आता है, परफॉर्मेंस थ्रॉटल करता है, और कह सकते जो पीक परफॉर्मेंस मिलता है वो नहीं मिल पाता है उतना। अब फॉर एग्जाम्पल 030 का Dimensity 8020 पकड़ लीजिए, 5G प्रोसेसर है। अब वहाँ पे जब इन्फिनिक्स के UI के साथ आप लोग पैर अप करेंगे ना UI या फिर XOS के साथ, तो जो परफॉर्मेंस है वो ठीक अटैक दे देगा, बट यहाँ पे हीटिंग इशू, बैक साइड में आप लोगों को हीट देखने को मिलेगा फ़ोन में, क्योंकि प्रोसेसर थ्रॉटल कर रहा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ये UI के वजह से ही यहाँ पे, और थ्रॉटल का रीज़न ये भी है कि मल्टीपल एड्स उसमें आ जाते हैं यहाँ पे, उसमें ही पॉपअप निकलने लगता है यहाँ पे, तो ये चीज़ें मतलब इंटरलिंक हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ़ोन का एक्सपीरियंस रहता है इन्फिनिक्स का वो काफ़ी हद तक फ्रेंड्स सैडिस्टिक रहता है, और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मज़ेदार नहीं रहता है देखने में। लुक एंड फील वाइज नो डाउट स्टिल आई वुड से इन्फिनिक्स द बेस्ट स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील वाइज, डिज़ाइन वाइज कह सकते हैं, उनकी इंजीनियरिंग टीम बहुत अच्छा काम करती है डिज़ाइन में यहाँ पे, तो उस हिसाब से सही है। बट ये कुछ मेजर इशू है। बाकी ब्रांड्स की बात करो, जब ब्रांड आया था स्टार्टिंग में ना,
हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने उनके एक वीडियोस के एक एक स्मार्टफोन के यहाँ पे 10-10 वीडियो हम बनाते थे ताकि ब्रांड को अवेयरनेस भी मिल जाए, उसके बाद उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट भी कर दिया जाए, शोकेस भी कर दिया जाए मार्केट में कि ये जो फ़ोन है वो किस तरीके से अच्छा है, उसका हर एक एस्पेक्ट वीडियो पर रहता था। ऑब्वियसली कंपनी आगे बढ़ गया, ब्रांड्स के लोग भी यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले ही बता देना चाहिए अगर ब्रांड्स को कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि हमको प्रोफेशनल रिलेशन ही रखना है, हमको कोई भी एज सच इमोशनल टच नहीं रखना है आपके साथ, बिकॉज हम कभी कभी टाई अप हो जाते हैं किसी चीज़ से यहाँ पे, तो एक तरीके का फ्रेंड्स लगाव हो जाता है। बट वहाँ पे ठीक है, अब ब्रांड की तरफ से यहाँ पे कोई मतलब इंडिकेशन भी अब आता नहीं है कि किस तरीके से है, नया लॉन्चेस है क्या है वो कुछ नहीं, बट वो मुझे लेना देना नहीं है। दे आर डूइंग वॉट दे वॉन्ट टू डू इन देयर लाइफ एंड वॉट आई एम डूइंग बेस्ट इन माई लाइफ। तो यहाँ पे मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि मुझे स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, वो ठीक है। बट यही है कि स्टार्टिंग लेवल पे जब आप चीज़ चालू किए थे तब भूलना नहीं चाहिए कि कौन आपको किस तरीके से किया है यहाँ पे। बट अब ठीक है, अब नंबर्स गेम पे आप जा रहे हो तो नो डाउट आप जा सकते हो यहाँ पे। रिमेंबर वन थिंग कि जब सस्टेन कर रहे हो मार्केट में आप, एक लेवल पे सेचुरेशन पॉइंट आएगा, उसके बाद डाउनफॉल होगा, तब आप तब पूछेंगे हम कि वेयर आर यू, तब देखा जाएगा कि कैसा क्या है। बट फिलहाल के लिए मतलब मेरे को ब्रांड से भी बंदे से भी लेना कुछ देना नहीं है, बिकॉज उनका भी चलो कमिटमेंट रहेगा कुछ यहाँ पे, ऊपर उनको भी जवाब देना रहता है। बट यहाँ पे ठीक है, बट दे आर मतलब नॉट वर्थी टू कीप रिलेशंस विद इन्फिनिक्स के, मैं सारे ब्रांड्स की लोगों की बात करो, नॉट वर्थ टू कीप इन एनी रिलेशन विद देम। प्रोफेशनली रखो उनसे, बस काम से काम रखो, वही सही है, बिकॉज वो वर्थ ही नहीं है उस चीज़ के लायक। बाकी यही है मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स को लेकर। बाकी नो ऑफेंस टू एनीवन, जिसको लगा ऑफेंस सो भी आई डोंट गिव अ डैम। तो यहाँ पे कैसा लगा वीडियो आप लोग बताना अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, टेक चैनल को तो जय हिंद, पीस आउट।